नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के एक निजी अस्पताल पहुंचते हैं, वहां आधुनिक कैंसर मशीन का उद्घाटन करते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के एक निजी अस्पताल में पहुंचते हैं, वहां आधुनिक कैंसर मशीन का उद्घाटन करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सरकार परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार का यह पहला किसी अस्पताल का दौरा था जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहुँचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज बिहार सरकार के कोई मंत्री मौजूद नहीं थे। पहले नीतीश कुमार कहीं भी जाते थे तो उनके साथ में मंत्री रहते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री के साथ कोई मंत्री नहीं थे। आपको बता दें कि बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी और बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, वो आज दिल्ली में अपने पार्टी के कार्यक्रम में गए हुए हैं, इसलिए वो आज नीतीश कुमार के साथ नहीं थे और अन्य भी कोई मंत्री नीतीश कुमार के साथ वहां पर मौजूद नहीं थे। पटना में पूर्वी भारत की पहली वेरियन एज मशीन का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। पटना में पूर्वी भारत की पहली वेरियन मशीन है ये। कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर प्रोग्राम का भी मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। बिहार में व्यापक कैंसर देखभाल और उपचार के लिए नए मानक स्थापित करने में अग्रणी अस्पताल है, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वहां पर उस अस्पताल में पहुंचे और मुख्यमंत्री ने वहां पर कैंसर के आधुनिक उपकरणों का शुभारंभ किया। अस्पताल में सर्वोत्तम परिणामों के लिए सटीक विकिरण प्रौद्योगिकी का भी वहां पर उपयोग होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वहां पर पहुंचे थे और उस अस्पताल में पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैंसर के आधुनिक उपकरणों का शुभारंभ किए हैं। अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर के दावा है कि बिहार में सबसे तेजी से बढ़ने वाले ये कैंसर के उपचार के ठीक करने वाले ये हॉस्पिटल है और पूर्वी भारत का ये पहला अस्पताल है जहां पर कैंसर के अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार परिवर्तन के बाद पहली बार किसी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और वहां उन्होंने अत्याधुनिक कैंसर मशीनों का उद्घाटन किया। जिस प्रकार से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में नए सरकार बनाए हैं, उसके बाद से कल मंत्रिमंडल का जो विभागों का था, मंत्रिमंडल के मंत्रियों का विभाग का आवंटन भी हो गया है और स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी को दिया गया है, लेकिन सम्राट चौधरी अभी उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। वे दिल्ली में अपने पार्टी के बैठक के लिए गए हुए हैं, इसके कारण वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके हैं। नीतीश कुमार आज एक निजी अस्पताल के कार्यक्रम में अकेले ही पहुंचे, उनके साथ बिहार सरकार के कोई मंत्री मौजूद नहीं थे। अभी बिहार में नीतीश कुमार के साथ 9 मंत्री शपथ लिए थे, जिसमें से स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, लेकिन वो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे और अन्य भी कोई मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। सरकार परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज एक पटना के निजी अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने अत्याधुनिक कैंसर मशीनों का शुभारंभ किया। अभी तक के लिए बस इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के।